चलिए आज बनाते हैं पनीर का कोफ्ता। तो उसके लिए पनीर को हम अच्छे से मैश कर लेंगे, और यहाँ पर घर का पनीर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो उसको अच्छे से मैश करके इस तरीके से ओवल शेप में कर उसको अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। अब जब गोल्डन ब्राउन हो जाए पनीर, तो उसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर तेल थोड़ा एक्स्ट्रा था क्योंकि हमने उसको तलने के लिए यूज़ किया था, तो अब इस एक्स्ट्रा तेल को थोड़ा बाहर निकाल लेंगे। अब इस गरम तेल में थोड़ा सा जीरा और एक तेज़पत्ता को तोड़कर और एक लाल मिर्च को अच्छे से फ़ौरन में हम यूज़ कर लेंगे। अब इस वाले तेल में हम कटा हुआ प्याज को, जो बारीक कटा हुआ होता है, उस तरीके से काट कर प्याज को डालेंगे। अब इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे हम। इसमें आप थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे तो अच्छे से गल जाता है प्याज। अब इसमें टमाटर की प्यूरी बना कर रखेंगे और उसको इस वाले मसाले में डाल देंगे। अब इस प्यूरी को अच्छे से फ्राई होने देंगे, तब तक हम इसमें जो भी मसाले हैं वो भी डाल लेते हैं, जैसे कि नमक हो गया, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गोलकी का पाउडर और गरम मसाला भी डालकर अच्छे से फ्राई कर देंगे। तो अब यहाँ पर सारे मसाले डल गए हैं, अब इसको अच्छे से फ्राई करना है। अब थोड़ा सा चिली फ्लेक्स इसमें डाल देंगे जिससे टेस्ट और अच्छा लगता है। तो अब इस सारे मसाले को अच्छे से बाइंड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा मसाला ऑलमोस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा कसूरी मेथी को अच्छे से मैश करके डाल देंगे। इससे भी पनीर में जो सब्जी, पनीर का जो सब्जी होता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से निकल कर आता है। तो ये सारे मसाले को बाइंड करने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, और ये थोड़ा पानी पहले से बॉयल किया हुआ होना चाहिए। तो अब ये पानी डालकर इस ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसमें एक दो बॉयल आ जाए, तो जो हमने पनीर को फ्राई कर रखा था, इस पनीर को अब इसमें एक करके आराम से डाल देंगे। तो अब इसमें सारा पनीर हमारा डल चुका है, तो कुछ देर के बाद इसमें पनीर में जो ग्रेवी हो थोड़ी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस तरीके से हमारा पनीर का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, और ये ऑलमोस्ट एक की तरह ही दिखता है, और मतलब कहा जाए तो उससे ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो इसको आप पराठे और राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।